हेलो एवरीवन, आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो करंट अफेयर्स के इस एडिशन में आज वापस से हम डिस्कस करेंगे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, चाहे आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका होलिस्टिक विश्लेषण करेंगे। और आज हम बेसिकली कुछ एनालिसिस भी करेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा है, कुछ रिवीजन भी हम यहाँ पर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हम यहाँ पर सीखेंगे जिनकी हेल्प लेकर आप जीएस की आंसर राइटिंग को काफी बेटर बना सकते हो। तो एक बार सब लोग बेसिकली कनेक्ट हो जाइए, एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए, सभी लोगों को वॉइस ऑडिबल है, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राधिका, ओके, गुड आफ्टरनून। ओके आस्था, गुड आफ्टरनून। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माय क्लासेस का स्केड्यूल है, आप इसको देख सकते हैं कि कब कब क्लासेस देखने को मिलेगी। दिस इज माय रेफरल कोड AKZN जिसको आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, जहां से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ में मेरी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी इस रेफरल कोड को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आज भी रात को दो क्लासेस होगी, 7:30 PM पर और बेसिकली 8:45 PM पर आज हम स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 7:30 बजे हमारा जो बेसिकली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पॉलिटी वाले, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो 7:30 बजे भी आप जुड़ सकते हैं, 8:45 PM पर भी आज कनेक्ट हो सकते हैं। ओके आज दोनों क्लासेस देखने को मिलेगी। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप डेली देखते हो, इतनी सारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, प्लस पर सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट हो गए आपके, क्विजेज हो गई, अलग से सेपरेट टेस्ट सीरीज आपको, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा बेसिकली आप जितने भी एजुकेटर्स है उनकी प्रोफाइल को फॉलो करके उनकी सारी की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जो भी आपके लिए बेस्ट सुटेबल है उसको आप बेसिकली यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। ओके जो प्राइस स्ट्रक्चर है प्लस कोर्सेज के लिए, आइकोनिक कोर्सेज के लिए आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली मेरा रेफरल कोड AKZN आप यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक प्राइसेस की प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप बेसिकली अभी उसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है, जो पुरानी प्राइसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बैचेस 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बैचेस आपको 28 दिसंबर से स्टार्ट होते हुए मिलेंगे, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बैचेस होंगे 2021, 2022 और 2023 के लिए आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई थिंक सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं, सभी का स्वागत। ओके तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे एक कोटेशन से, हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो कोटेशन है वो है तिरुमलाई कृष्ण आचार्य का, ठीक है। बेसिकली इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न योगा, ठीक है। बेसिकली ये रिलेटेड है आपके तमिलनाडु से, मद्रास से। ये बोलते हैं नो वन इज वाइज बाय बर्थ, ठीक है। बेसिकली आप लोगों के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट के लिए एक प्रेरणा देगा कि बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा कि जन्म से कोई बुद्धिमान नहीं होता, फॉर विजडम रिजल्ट फ्रॉम वंस ओन एफर्ट। आप लोग जो एफर्ट कर रहे हो अभी अपने गोल के लिए, वही आपको बेसिकली सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। तो बेसिकली ये सोचकर ना बैठे कि मुझे सब आता है, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। यू हैव टू डू एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट कीजिए और बेसिकली एक स्ट्रेटजी के साथ एफर्ट कीजिए, एक इनपुट आउटपुट रेशियो को बैलेंस करके एफर्ट कीजिए, डेफिनेटली आप काफी जल्दी यहाँ पर सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहली न्यूज आपकी बनी है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर, आप देखोगे December 24, 2020 को ये चीज गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई थी। प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, ये 26 दिसंबर को लॉन्च है, मतलब आज इसका लॉन्चिंग है। प्रधानमंत्री जी बेसिकली आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, जो इसका जो कवरेज है वो जम्मू एंड कश्मीर के सभी निवासियों को 26 दिसंबर से अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर आज ही के दिन 12 बजे बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसको सब नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये स्कीम किन किन मायनों में बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 में वहां से हट चुका है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
विल सैटरडे लॉन्च द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आपको पता है, जिसको आप बेसिकली आयुष्मान भारत के नाम से हम जानते हैं, लेकिन पहले इसका कवरेज जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं था, तो पीएम जय सेहत स्कीम से नाम से इसका कवरेज होगा और ये स्कीम बेनिफिट करेगी लगभग 21 लाख वहां के लोगों को, ठीक है, जो एलिजिबल पीपल है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, बट बेसिकली वहां के जितने भी लोग हैं उनको इस स्कीम का कवर किया जाएगा। अभी तक वो लोग जो SECC सेंसस के अंदर नहीं आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको भी इस स्कीम का कवरेज यहाँ पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए, और आपको पता भी है हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब सभी लोगों को स्वास्थ्य का जितनी भी सुविधाएं हैं सब लोगों के यहां तक ये पहुंच सके, इसके लिए स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सब लोग बेसिकली कनेक्ट हो चुके हैं, अभी कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे ताकि बेसिकली सभी लोग यहां पर कनेक्ट हो सके। तो ध्यान रखना इस स्कीम के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है All residents of Jammu and Kashmir, irrespective of their socio-economic status, will be covered under the scheme. मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी निवासी हैं उनको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से मिसिंग है। तो सबसे पहले तो सारे के सारे बेनिफिशरीज को इसको किस तरह से कलेक्ट किया जाए उस पर काम चालू हो चुका है। और ध्यान रखना ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा ये भी चीज रिलीज की गई है कि जो हमारी ये स्कीम होगी ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ चलेगी, मतलब उसके कन्वर्जेंस में देखने को मिलेगी, जिसको आप क्या नाम से जानते हो, आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो आप जिसको नाम से जानते हो, और बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपको देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, जो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है या जिसको आप आयुष्मान भारत के नाम से जानते हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो 5 लाख रुपए का कितना आपको इंश्योरेंस कवर देती है, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। 3 डेटा इंपॉर्टेंट है, एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स को कंसिडर किया जाता है, तो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए आपको पता होना चाहिए, हेल्थ केयर को अपन 3 भागों में बांटते हैं जनरली, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब में ये सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो ध्यान रखना अब इसमें बेसिकली इन 5 लाख रुपए का पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स मिलके भी बेनिफिट उठा सकते हैं और एक पर्टिकुलर एक मेंबर भी उठा सकता है। तो द बेनिफिट ऑफ 5 लाख ऑन ए फैमिली फ्लोटर बेसिस, इसका मतलब है यूज्ड बाय वन और ऑल मेंबर्स, या तो एक मेंबर बेनिफिट उठा लेगा या सारे के सारे मेंबर्स मिलके बेनिफिट उठा लेंगे 5 लाख रुपए का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर बेसिकली बहुत सारी बीमारियों का कवरेज देखने को मिलेगा, चाहे आपका कैंसर को लेकर हो, हार्ट को लेकर हो, नेफ्रोलॉजी को लेकर हो, सब कुछ इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर कवर किया गया है, जिसमें आपकी जांचें भी आ गई, दवाएं भी आ गई, सब कुछ इस स्कीम के अंदर आपको कवरेज देखने को मिलेगा। सब लोगों को समझ आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको सारी की सारी चीजें इसलिए बताई है, एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या चीज इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज, अब जम्मू कश्मीर के लिए भी प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है तो पीएम जय सेहत स्कीम के नाम से देखने को मिलेगी, सारे के सारे जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को इसमें कवर किया जाएगा, और ये स्कीम किसके पैरेलल चलेगी, आयुष्मान भारत के पैरेलल चलेगी। इसका मतलब है आयुष्मान भारत जो स्कीम है जिसमें बेसिकली आप कितना इंश्योरेंस कवर देते हो, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। और साथ में ध्यान रखना इन 5 लाख रुपए को हो सकता है एक फैमिली मेंबर भी पूरा यूज कर ले या सारी के सारी फैमिली मिलकर भी यूज कर ले। और बेसिकली वैरायटी ऑफ डिजीजेस के लिए इसमें जांचें भी शामिल है, दवाइयां भी शामिल है, ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले भी और 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी जितना खर्चा होगा वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यस, डेफिनेटली ये रोल ओवर भी होगा क्या, डेफिनेटली ये काफी जल्दी रोल ओवर होने वाला है, अभी तो आज ही लॉन्च हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के लिए 26 दिसंबर को, तो काफी जल्दी आपको रोल ओवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दिस इज द न्यूज नंबर 1, ठीक है, ये आज की न्यूज नंबर 1 आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
न्यूज नंबर टू आपको देखने को मिलेगी। कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आई थिंक आप लोगों ने किया है या नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें आपको डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने किया है तो मुझे बताइए कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज कितनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेंज भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है, किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा सब लोग कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है, कितने किलोमीटर इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में कुछ और चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, और डीआरडीओ इसको किसके साथ मिलकर बना रहा है, जो आपकी इजरायली एरोस्पेस एजेंसी है, ठीक है, उसके साथ मिलकर इसको डीआरडीओ डेवलप कर रहा था, ठीक है, जो भारत की वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा एनहांस करेगा, जिसको ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट से लॉन्च किया गया था। QRSM को भी यहाँ से किया गया था, MRSM को भी यहीं से लॉन्च किया गया था। और ध्यान रखना, जिसने बेसिकली एक हाई स्पीड अनमैंड एरियल टारगेट को डायरेक्टली हिट किया था, आप देखोगे इसने लॉन्च किया और बेसिकली एक एरियल टारगेट था, मूविंग टारगेट था, उसको डायरेक्टली इसने हिट कर दिया था आपकी MRSM मिसाइल ने, और काफी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। अभी लेटेस्ट हमने आर्मी वर्जन ऑफ MRSM का लॉन्च किया है, सरफेस टू एयर है, मतलब सरफेस से एयर में लॉन्च होगी, जॉइंटली डेवलप है डीआरडीओ के द्वारा और इजरायली एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो वेपन सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ठीक है, इसको चलते हुए भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। मल्टी फंक्शनल राडार भी इसमें देखने को मिलेंगे और इसकी रेंज आपको नियर बाय 100 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, कल मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया था उसको पूरा कर लीजिएगा। एक साइड में QRSM की डिटेल, दूसरी साइड में MRSM की डिटेल, दोनों सरफेस टू एयर है, ठीक है। रेंज देख लीजिएगा किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा आप सब लोग, ताकि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर टू, ठीक है, जहां पर मैंने आपको थोड़ी सी और डिटेल बताई किसके बारे में, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, किसके द्वारा है, ठीक है, सरफेस टू एयर है, कहाँ से लॉन्चिंग है, ठीक है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, ये जो एक और मोदी जी ने कुछ चीज बोली है फार्मर यूनियन को लेकर की, बेसिकली लगातार वो अपनी जो मांगे हैं उनको लगातार, ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज को बेसिकली फार्मर्स यूनियन ने अपोज किया है। अब देखोगे, रिफ्यूटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एलिगेशन दैट फार्मर यूनियंस वर मूविंग द गोल पोस्ट एवरी डे, मोदी जी ने बोला कि फार्मर्स डेली डेली अपने गोल को चेंज कर रहे हैं, डेली डेली नए मांगे यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उसको लेकर जो किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने बयान दिया है कि हमें जो चीज चाहिए, हमारी जो ओनली डिमांड है वो है हमारी अश्योर्ड गारंटीड एंड लीगलाइज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो उन्होंने तीन चीज मांगी है कि बेसिकली MSP को लीगलाइज कर दिया जाए, ठीक है, उसका अश्योरेंस यहाँ पर मिले, गारंटीड अश्योरेंस मिले और एक्ट के माध्यम से मिले, ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ओनली डिमांड ऑफ द फार्मर्स वॉज इन अश्योर्ड गारंटीड एंड लीगलाइज्ड इनकम बाय अनाउंसिंग ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर और भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, राधिका, प्राची, हाय, ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको गवर्नमेंट बेसिकली इसको वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर रही है, बट किसान इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। आज आप देखा होगा, ठीक है, USA के जो बेसिकली, एक तो UK के सांसदों को पत्र लिखा गया, USA के सेनेटर्स को बेसिकली इसके बारे में जानकारी दी गई, ताकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट भारत पर प्रेशर क्रिएट कर सके। बट इस पर सवाल उठते हैं, क्या ये सही है, क्या फार्मर्स का इंटरनेशनली अप्रोच करना इज इट एथिकली राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इससे गवर्नमेंट को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको लेकर बेसिकली हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इसमें अभी मुद्दा यही है, अभी तक कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, ठीक है। उसके अलावा जो दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है अभी, बेसिकली ये कैरी ऑन है, यहाँ पर कुछ जो भी कॉन्क्रीट डिमांड निकलेगी उसको अपन डिस्कस यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज न्यूज फॉर वैक्सीन, ये वैक्सीन को लेकर है, वैक्सीन का ड्राई रन स्टार्ट होने वाला है, 4 स्टेट्स के अंदर वैक्सीन का ड्राई रन होगा।
अब आप बोलोगे सर ड्राई रन होता क्या है, ड्राई रन का मतलब होता है ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस मैच है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी किसी डिग्नेटरी की विजिट होती है तो पहले उसकी रिहर्सल की जाती है, वैसे ही सिमिलर चीज है। वैक्सीन को मास लेवल पर लॉन्च करने से पहले बेसिकली अपन क्या करेंगे, वैक्सीन की टेस्टिंग करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको बेसिकली आंध्र प्रदेश में, आसाम के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर थोड़े थोड़े टुकड़ों में इंप्लीमेंट करके देखा जाएगा, उसके रिजल्ट देखे जाएंगे। कुछ एडवर्स और नेगेटिव सिक्वेंसेस तो नहीं देखने को मिल रहे। तो ये न्यूज आ चुकी है, ड्राई रन फॉर वैक्सीन रोल आउट इन 4 स्टेट्स नेक्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ने बोल दिया है। ट्रायल से भी चल रही है, आप देखोगे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स आपको देखने को मिल सकती है, ये कोवैक्सीन की आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था दो ही अभी इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसको बेसिकली अप्रूवल मिलने वाली है, क्योंकि दोनों वैक्सीन कैंडिडेट्स ने इमरजेंसी अथोराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर राधिका ने पूछा है फार्मर सुसाइड की इश्यू भी हम फार्मर्स प्रोटेस्ट में ऐड कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। लेकिन फार्मर्स सुसाइड के इश्यू को लेकर अभी बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे, उसको आप इनकम से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट था टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, उसको आप रिलेट कर सकते हो, जो बेसिकली जो हमारा मॉनसून की अनसर्टेनिटी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर लिंक कर सकते हो, ठीक है। जो बर्डन पड़ता है, मेंटल बर्डन है फार्मर्स पर, लोन को लेकर आप लिंक कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजों से आप उसको लिंक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा है, इस प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है आपका एमएसपी, ठीक है। सबसे जो सेंटर हाईलाइटेड मुद्दा है, किसानों को अश्योरेंस चाहिए, लीगलाइज्ड अश्योरेंस चाहिए एमएसपी को लेकर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ड्राई रन के बारे में, जो मैंने आपको बताया जो नेक्स्ट वीक आपका इनिशिएट होने वाला है, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात और पंजाब, ये 4 स्टेट के अंदर बेसिकली यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस को कंसीडर करते हुए सबसे पहले सेंटर बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखेगी यहाँ की अर्बन साइट्स में, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में, रूरल एरिया के अंदर, सब जगह बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। उसके बाद इसको मास लेवल पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी। तो ड्राई रन स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो बेसिकली राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया, ये भी द हिंदू की न्यूज आपको देखने को मिलेगी। आपको मैंने पॉलिटी में सिखाया था कि बेसिकली जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, गवर्नर या तो उसको एक्सेप्ट कर ले, गवर्नर या उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी रख सकता है, या गवर्नर कुछ बिल्स को छोड़ के बाकी को रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ अमेंडमेंट बिल पास किए थे, किसको लेकर, जो फार्म बिल को काउंटर करेंगे, ठीक है, जो किसानों के बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे उनको काउंटर करने के लिए यहाँ की राज्य की विधानसभा ने कुछ बिल्स पास किए थे। लेकिन बेसिकली अब वहां के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी आरोप लगा रहे हैं गवर्नर साहब पर कि गवर्नर साहब ने उन बिल्स को रोक लिया, उन बिल्स को उन्होंने प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा ही नहीं, अभी तक वो सारे के सारे बिल राजभवन में ही अटके पड़े हैं। तो ये आरोप लगाया उन्होंने कि गवर्नर नॉट सेंडिंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, सेज गहलोत, क्योंकि बेसिकली अगर कोई मुद्दा कॉन्करेंट लिस्ट का आता है और वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट पर आपको पता है दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर कानून बना चुका है तो स्टेट का कानून मान्य तब होगा जब उसको प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल जाए। तो यहाँ की राज्य विधानसभा ने तो कानून पास कर दिया, राज्य विधानसभा ने कानून पास करके किसको भेज दिया, विधानसभा ने कानून पास करके भेज दिया गवर्नर साहब को। अब बेसिकली गवर्नर साहब उसको किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट साहब के पास। अगर प्रेसिडेंट साहब उस पर हाँ भर देते हैं या उसको असेंट दे देते हैं तो वो बिल आपका लागू हो जाएगा, अगर नहीं देते तो वो बिल वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सब लोगों को। तो ये मुद्दा यहाँ पर उठा कि बेसिकली वो जो बिल है जो गवर्नर साहब के पास अभी राजभवन में पड़ा हुआ है वो उसको बेसिकली प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे। तो आप देखोगे यहाँ पर गहलोत गवर्नमेंट आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से यहाँ पर मोनोपोली कर रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और एक और वर्ड अभी इन्होंने यूज किया, राहुल गांधी ने भी यूज किया था वो वर्ड, इमेजिनरी डेमोक्रेसी को लेकर। गहलोत जी ने वापस से उस वर्ड को रिपीट किया
कि बेसिकली भारत के अंदर एक काल्पनिक लोकतंत्र देखा जा रहा है, अभी हकीकत में भारत में लोकतंत्र नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस लीडर्स के द्वारा या बेसिकली राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी के द्वारा दिया जा रहा है कि वी आर लिविंग इन ए इमेजिनरी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि बेसिकली अभी हकीकत में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नहीं देखे जा रहे, अभी बेसिकली जो सारी चीजें हैं वो काल्पनिक देखी जा रही है, जो काल्पनिक लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इस सारी चीज को लेकर डिस्कशन दिया गया है, ठीक है, जो बेसिकली इस इन बिल्स को लेकर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब बिल को लेकर, कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर गवर्नर के पास मेन पावर आ जाएगी, गवर्नर भेज भी देगा, अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो भी वो बिल पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग इसको लेकर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आर्टिकल 356 को लेकर काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्पेशली आर्टिकल 356 के मिसयूज को लेकर, आर्टिकल 356 का जितना मिसयूज होता है, और अभी लेटेस्ट में ये मुद्दा इसलिए बना है, जो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट का जो मुद्दा चल रहा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोला था कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति आ रही थी उस पर चर्चा करने को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया था कि ये जुडिशरी का काम नहीं है, आप बेसिकली एग्जीक्यूटिव की पावर को ब्रीच नहीं कर सकते, हमें सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को फॉलो करना है, शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत को हमें फॉलो करना है। तो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जब आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 356 जिसको आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हो, साथ में यहाँ पर मुद्दा बनता है कि अभी वर्तमान में जो इश्यू देखे जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, महाराष्ट्र का ले सकते हो, आंध्र का ले सकते हो, राजस्थान का, एमपी का, जहां पर इस टाइप की सिचुएशन बनती हुई देखी गई थी कि बेसिकली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, आपका जो संवैधानिक तंत्र है, उसका बेसिकली ब्रेकडाउन होने का जो आपको देखे गए थे। तो बेसिकली आर्टिकल 356 के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है कि आर्टिकल 356 को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जब आपने इच्छा हुई थोड़ा बहुत आपको लगा आपने आर्टिकल 356 का यूज कर लिया, नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या बेसिकली हमारे कई सारे कमीशंस ने रिकमेंडेशन दी है, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको ध्यान हो, सरकार या आयोग के बारे में और पुंची आयोग के बारे में, सब लोगों को ध्यान है, सरकार या आयोग और पुंची आयोग के बारे में पढ़ाया था, ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर आर्टिकल 356 को लेकर इन्होंने भी क्लियर बोला है कि आर्टिकल 356 का यूज कम से कम और न के बराबर केसेस में होना चाहिए, जब बेसिकली कोई और ऑप्शन ना हो और पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तब ही इनका यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास तो देखो इस आर्टिकल में किन किन चीजों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बेसिकली जो हमारा, हाँ एक चीज यहाँ पर बताई गई है, जुडिशियल एक्टिविज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया है, इसको भी आप यूज करोगे अपने आंसर्स के अंदर कि किस प्रकार से न्यायालय न्यायिक सक्रियता के नाम से बेसिकली क्या करता है, न्यायिक अतिक्रमण कर देता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर वो क्या कर देता है, जुडिशियल एनक्रोचमेंट। जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी चीज है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, लेकिन जुडिशियल एनक्रोचमेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और यही आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट में देखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट को बोलकर उस डिसीजन पर क्या लगा दिया, स्टे भी लगा दिया। तो आप देखोगे सबसे पहली चीज बोली कि आपको बेसिकली अगर गवर्नमेंट पर कंट्रोल करना है या बेसिकली, तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को देखिए, आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है, उससे आप बाहर नहीं जाएंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म काफी अच्छा है, लेकिन जब जुडिशियल एक्टिविज्म अपनी शक्तियों का अनावश्यक प्रयोग करता है तो वो बेसिकली नकारात्मक कॉन्सेप्ट में बदल जाता है। अब यहाँ पर एक बार देखिए आप सब लोग, ठीक है, यहाँ पर जो रिसेंट ऑर्डर के बारे में बात की गई है, जो रिसेंट ऑर्डर था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, ठीक है, किसके लिए, कि आपको बेसिकली इस आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपके राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ, क्योंकि हाईकोर्ट इस चीज को कंसिडर कर रही थी कि बेसिकली आंध्र के अंदर संवैधानिक तंत्र को विफल देखा गया है, तो बेसिकली वो किसको आर्ग्यूमेंट के लिए बुला रही थी, आपके आंध्र प्रदेश स्टेट को, तो आंध्र प्रदेश चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये आर्ग्यू करने का काम कोर्ट का और हमारा नहीं है, ठीक है, और बेसिकली कोर्ट हमें
समन नहीं कर सकती आर्ग्यू करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया ये किस प्रकार से जुडिशरी भी आर्टिकल 356 का मिसयूज करवा सकती है, लेकिन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर स्टे लगा दिया था और बेसिकली बोला था कि बेसिकली हाई कोर्ट को इस प्रकार के डिसीजन देने से पहले अपना ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, ठीक है, अपनी सारी चीजों पर डिस्कस करना चाहिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हमारे बेसिकली आर्टिकल 356 का मिसयूज लगभग आपको बहुत सारे मामलों में, 125 मामले तो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आप देखोगे जब से संविधान बना है तब से लेकर इतना ज्यादा मिसयूज आपको आर्टिकल 356 का देखने को मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मिसयूज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट को गिराना होता है तो सबसे पावरफुल हथियार क्या है, आपका राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी देता हूँ आपको, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 ये दो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। 5 और 6 को इंटरचेंज कर देना तो 6 और 5 बन जाएगा। 356 तो कब लगेगा, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। 365 में कब लगेगा, जब बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली लीगल डायरेक्शंस को राज्य फॉलो नहीं करता है तब भी बेसिकली केंद्र सरकार आप पर क्या लगवा सकती है, किसके माध्यम से लगवाती है, राष्ट्रपति के माध्यम से, क्योंकि एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, आपका राष्ट्रपति। इसके लिए बेसिकली स्टेट से पहले कंप्लेन आती है, गवर्नर शिकायत करेगा या कोई पर्टिकुलर पर्सन शिकायत करेगा कि हमारे राज्य के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका जो सेंस था वो मैंने आपको बता दिया, इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। बेसिकली अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, आई थिंक आज कुछ स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है, आज सब लोग बेसिकली बिजी हैं या तो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चंद्रयान 2 के बारे में अपन बात करते हैं। चंद्रयान 2 का कुछ डेटा यहाँ पर रिलीज हुआ इसरो के द्वारा, ठीक है, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपको पता होना चाहिए था कि जो बेसिकली चंद्रयान 2 के साउथ पोल पर जो लैंडिंग कराने की बेसिकली कोशिश की थी इसरो ने वो नाकाम रही थी, बट वापस से इसरो तैयारी कर रहा है चंद्रयान 3 के माध्यम से वो बेसिकली जो आपका चंद्रमा है उसके दक्षिणी पोल पर या दक्षिणी हिस्से पर बेसिकली वापस से विक्रम को या जो भी रोवर वो बनाएगा उसको वहां पर लैंडिंग करवाएगा, क्योंकि विक्रम की तो लैंडिंग नहीं हो पाई थी, आपको पता होना चाहिए था, वो मिशन बेसिकली इसरो का अनसक्सेसफुल हो गया था। तो उसको लेकर बेसिकली काफी तैयारी में है, काफी जल्दी इसरो चंद्रयान 3 के बारे में डेट्स वगैरह डिक्लेयर यहाँ पर करेगा, ठीक है। चंद्रयान 2 जो बेसिकली आपका July 22, 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, उसका कुछ डेटा बेसिकली पब्लिक डोमेन में देखा गया है, उसका जो ऑर्बिटर वगैरह था जो अभी भी काम कर रहा है 7 सालों तक बेसिकली उसका ऑर्बिटर अपनी सेवाएं देता रहेगा, तो वो सारा डेटा भी देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे यस, ये जो मैंने आपको बोला था ये इशू कि फार्मर्स ने बेसिकली इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का जो प्रयास किया है उसके रिपरकशंस आप देख सकते हो। जो यूएसए के लीडर्स है उन्होंने बेसिकली वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो साहब उनसे बोला है कि आप बेसिकली भारत के विदेश मंत्री से बात कीजिए फार्मर्स के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली वहां के जो 7 लॉ मेकर्स है उन्होंने बेसिकली सीरियस कंसर्न जताए हैं भारत के रवैयों को लेकर, किसके प्रति, किसान आंदोलन को लेकर। तो मैंने आपको बोला था कि यही चीज बेसिकली किसानों ने यूके के सारे सांसदों को भी पत्र लिखा था और बोला था कि जो बोरिस जॉनसन साहब 26 जनवरी को इंडिया आने वाले उनके विजिट को कैंसिल किया जाए जब तक हमारी सारी की सारी मांगे फुलफिल ना हो। तो बेसिकली यही मुद्दा यूएसए के साथ भी उठाया है, तो ये इश्यू अब इंटरनेशनलाइज हो चुका है, भारत के किसानों ने मदद मांगी है इंटरनेशनल गवर्नमेंट की ताकि भारत पर प्रेशर क्रिएट हो सके। ओके, और भी काफी सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, वीरू श्रीवास्तव वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। आप सब लोग मंडे टू सैटरडे बेसिकली इस क्लास को ले सकते हैं, कल संडे है, कल 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे 3 बजे बेसिकली आप जुड़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स का हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है लाइक PIB उनका सबका डिस्कशन यहाँ पर होगा। रात को आज 2 क्लासेस होगी 7:30 PM पर और 8:45 PM पर। 7:30 PM पर पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन होगा, 8:45 PM पर आज हम पंचायती राज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे With the help of multiple choice questions, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर मेरी प्रोफाइल आपको अभिषेक कुमार जैन के नाम से मिल जाएगी, उससे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे बांग्लादेश को लेकर एक मुद्दा देखने को मिलेगा, ठीक है, बांग्लादेश को लेकर जो मुद्दा है वो आपको देखने को मिलेगा एनआरसी को लेकर, ठीक है, आपका जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर है, जहां पर अपन बात करते हैं कि बांग्लादेश से काफी इलीगल रूप से इन्फ्लक्स भारत में देखने को मिलता है। तो आप देखोगे द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसको एनआरसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भारत का मुद्दा है। और बेसिकली यहाँ पर बांग्लादेश के जो जनरल साहब, इन्होंने बोला है कि बेसिकली हमारी तरफ से कोई भी यहाँ पर इन्फ्लक्स नहीं देखने को मिलता, बट हाँ दोनों के बीच में काफी सारा इलीगल स्मगलिंग क्रिमिनल केसेस काफी सारे देखने को मिलते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर ये एक मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश चीफ, एनआरसी इज इंडियन इश्यू, ठीक है, एनआरसी भारत का मुद्दा है, बिल्कुल भारत का आंतरिक मुद्दा है, बट हम बस यही चाहते हैं कि बांग्लादेश की सीमाओं से इलीगल रूप से लोग भारत में एंटर ना करें, उसके लिए बेसिकली ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों का जो अभी तक अपन ने पढ़ा था, ठीक है, फटाफट से मैं क्विकली आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, जो मंडे टू फ्राइडे तक का आपने सारा पार्ट देखा है उसको अपन क्विकली रिवाइज करेंगे। उससे पहले एक चीज अपन देखेंगे जो इस पूरे वीक के अंदर अपन ने पढ़ा है, उसका एक छोटा सा एनालिसिस मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ कि किस तरह से अब आपके जो नोट्स आपके प्रिपेयर हुए हैं उसको आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है, ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज आप देखोगे जितने भी नोट्स आप लोगों ने बनाए, आपको हर वीक के अंदर, आपका संडे का ऑफ होता है तो संडे को आपको एक चीज एनालाइज करनी है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों जितना भी अभी नोट्स मेकिंग कर रहे हैं किस तरह से आपके जीएस के आंसर राइटिंग में इसको आप यूज कर पाएंगे, तो फटाफट से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को करना है, आप लोगों को पूरे वीक के टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट कैसे बनाओगे, जो जो मुद्दे हमने पढ़े हैं उसको एक लिस्ट आउट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे, और उस लिस्ट आउट को आप अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक कर लीजिए, जैसे कि कोई एनवायरमेंट का था, कोई साइंस एंड टेक का था, कोई पॉलिटिकल इश्यू था, ठीक है, तो बेसिकली उसको लिस्ट आउट कर लीजिए कि पर्टिकुलर जीएस वन का कौन सा है, जीएस टू का कौन सा है, और बेसिकली आप देखोगे एथिक्स के मुद्दे भी आपको देखने को मिलेंगे जीएस फोर वाले, जैसे कल वाला आपने देखा होगा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, या बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को लेकर, जो मैंने आपको बताया था एक आर्टिकल जो कोडिंग को लेकर था, जहां पर बच्चों को 3 से 4 साल की उम्र में कोडिंग सीखने के लिए बेसिकली भेजा जा रहा है, बेसिकली वो ऑनलाइन कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये बेसिकली एथिकल इश्यूज भी साथ में लिंक कर लीजिएगा, ठीक है, सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, आज स्टूडेंट्स काफी कम हैं, ठीक है, आज स्टूडेंट्स कम है, उसका रीजन तो ठीक है, हो सकता है सैटरडे की वजह से सब लोग छुट्टी मना रहे हो, ठीक है, बट हाँ कल तो आपकी ऑफिशियली ऑफ है, संडे को आप मजे कीजिएगा आराम से। तो आपको करना क्या है, एक लिस्ट बना लेनी है टॉपिक की, उसके बाद आपको जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर में बाइफर्केट कर लीजिएगा उन टॉपिक्स को। उसके बाद आप देखिएगा जो जो वीक के अंदर अपन ने एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हो गया अपना, डेटा हो गया अपना, ठीक है, कोई रिपोर्ट हो गई अपनी, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया अपना, ठीक है, तो जो जो भी एग्जांपल्स आपने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनके सामने भी आप बेसिकली लिख सकते हैं कि इसको मैं पर्टिकुलर इस पेपर में जीएस वन में यूज कर सकता हूँ, जीएस टू में यूज कर सकता हूँ, और बेसिकली उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कमीशन की रिपोर्ट्स आपके दिमाग में रहेगी उतना ज्यादा ही बेसिकली आप अपने एग्जाम में डाइवर्सिटी या अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पर प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सब लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, जब आपने बेसिकली पूरा वीक का बना लिया, ठीक है, और आप लोगों ने अब संडे को जब आप इसको रिवाइज करेंगे, तो संडे को आपको रिवाइज करते समय अपने दिमाग में ये लाना है, जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं संडे को, ठीक है, कम से कम उस टॉपिक पर थोड़ा सा सोच लीजिएगा, इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन कौन कौन से पेपर से मुझे देखने को मिल सकते हैं, जीएस वन से, जीएस टू से, क्योंकि आपको सिलेबस अगर याद रहेगा तो बेसिकली आप क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा माइंड में फ्रेम कर सकते हैं, और उन एग्जांपल्स को बार बार रिकॉल कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए कि पर्टिकुलर ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाला मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ये पर्टिकुलर डेटा, जैसे कि अभी अपन ने देखा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, इसको आप यूज कर ही कर सकते हो सब जगह, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा इंडो यूएस रिलेशंस को लेकर देखा, ठीक है, इंडो बांग्लादेश को लेकर देखा, इंडो वियतनाम को लेकर देखा, तो ये जो जो टॉपिक्स है ये आपके तैयार हो जाते हैं अभी, ठीक है, ये अभी आपके फ्यूचर के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं, जब आप मेंस लिखोगे तब आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको अलग अलग सेगमेंट में तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर वीक का रिव्यू मिल जाए। ध्यान रखना
बिना रिव्यू या बिना एनालाइज किए आपको सारी चीजें दिमाग में फिट कभी नहीं हो सकती। तो आपको करना यही है, मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे और संडे को बेसिकली आप इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या बेसिकली संडे को आप बेसिकली इसको एनालाइज कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर चीज को मुझे कहाँ पर डालना है। अब एक और चीज बता देता हूँ आपको, जब आप वीकली करंट पढ़ ही रहे तो डेली कम से कम एक क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम डेली एक क्वेश्चन लिखेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की, जहां पर जिनको मेंस देना है, जिन भी स्टूडेंट को मेंस देना है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर लिखिए डेली, ठीक है। और उस क्वेश्चन को कौन सा लिखिए, करंट वाला ही क्वेश्चन लिखिए, स्टैटिक मत लिखिए, करंट वाला ही कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, उस करंट वाले क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। अब उस करंट वाले क्वेश्चन को लिखने से फायदा ये होगा, जितनी भी आप चीजें डेली पढ़ रहे हैं ना उसको यूटिलाइज करना आप सीखोगे कि किस तरह से इसको आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स का जो दो तीन लोगों का आपका ग्रुप होता है उससे बेसिकली उनसे चेक करवाइए, उनको पढ़ने को दीजिए, उनके क्वेश्चन आप पढ़िए, ताकि आपका भी अनाउंसमेंट होगा और उनका भी अनाउंसमेंट वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। सब लोगों को समझ आ रही है सारी चीजें, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। सब लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपको इस डेटा को सेग्रीगेट करना, आपको नोट्स में अवेलेबल करवा देता हूं, ठीक है। तो नोट्स बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पावर पॉइंट अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना होगा, WPS कुछ भी, ताकि आपके वो स्लाइड्स जो मैं आपको भेजता हूं वो आपकी इजिली ओपन हो जाएगी। कई लोगों की अगर स्लाइड्स ओपन नहीं होती है तो पावर पॉइंट अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, बेसिकली छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आता है जो PPTs ओपन करने के लिए आते हैं, WPS या कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि बेसिकली आपके मोबाइल के अंदर वो सारी की सारी PPTs ओपन हो जाए और उनको जब चाहे जब आप फटाफट से रिवाइज कर सके, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको करना ही करना है ताकि सब लोगों को बेसिकली मैक्सिमम यहां पर बेनिफिट हो सके, ठीक है। और एक क्वेश्चन डेली लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन, और करंट का ही लिखना है वो क्वेश्चन, ताकि ये सारी की सारी चीजों को आप करंट के अंदर यूटिलाइज वहां पर कर पाए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली नया दादिका ने बोला सर क्वेश्चन लिखते हैं बट लिखते टाइम पॉइंट भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, आप वापस देख कर लिख सकते हो, ये रिवीजन का ही सारा गेम है। जितनी बार उन पॉइंट्स को आप आंसर में यूज करना सीख जाओगे आपको बहुत सारी चीजें लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 10 बार में ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। ये WPS ऑफिस किसी में भी आप खोल सकते हैं, जो स्लाइड्स है आपकी, कोई सा भी पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट PPT का एप्लीकेशन में आपकी स्लाइड्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। कुछ तो PDF की फॉर्म में देता हूँ बट जो बड़ी स्लाइड्स होती है उनको डायरेक्टली मैं अपलोड करवा देता हूँ, ओके। उसके बाद बेसिकली फटाफट से जो अपन ने इस वीक के अंदर पढ़ा है, जो कुछ चीजें थी उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब एक बार मुझे आप चीज बताइए, अब जैसे PSLV C50 आपने पढ़ा है, ठीक है, अब इससे पहले आपने PSLV C49 भी पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि PSLV C49 से कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था और वो किससे रिलेटेड थे, तो आपको मुझे लगता नहीं है आपको लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। PSLV C50 तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो आपको याद होगा कि बेसिकली अभी हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है PSLV C50 की हेल्प से, बट PSLV C49 भी काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसकी हेल्प से हमने 10 सैटेलाइट्स, 9 तो आपकी फॉरेन सैटेलाइट्स थी, ठीक है, 9 तो आपकी फॉरेन सैटेलाइट्स थी, आई थिंक 4 तो USA से होगी, 4 आपकी लग्जमबर्ग से होगी, ठीक है, और बेसिकली एक आपकी कहाँ से होगी, लिथुआनिया से होगी, 9 तो आपकी फॉरेन सैटेलाइट थी और एक आपकी इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS के नाम से जिसको जानते हैं वो PSLV C49 के थ्रू गया था, ठीक है। तो बेसिकली आप जस्ट अगर रिवाइज करेंगे PSLV C50 तो अभी आपने पढ़ा है कि GSAT-12 को रिप्लेस कर देगा, 7 साल का वो होगा इसका ऑपरेशनल लाइफ, तो जो इंपॉर्टेंट मिशन आप देखोगे उनको अगर आप वीकली रिवाइज करते रहोगे तो आपको फटाफट से वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो PSLV C49 के अंदर टोटल 10 थी, 9 तो फॉरेन सैटेलाइट थी और एक इंडिया की थी, ओके। उसके बाद जैसे कि किसान सुविधा ऐप हमने देखा, ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो जहां पर आप दिखा रहे हो फार्मर्स के इनिशिएटिव को लेकर या फार्मर्स को लेकर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव यहां पर ले रही है। तो जैसे पीएम किसान का अपन एग्जांपल दे सकते हैं, पीएम किसान योजना का आप एग्जांपल दे सकते हो, पीएम किसान मानधन योजना का, ठीक है, ये पीएम किसान सम्मान निधि है एक और एक पीएम किसान मानधन योजना है, ठीक है। उसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो जैसे कि किसान सुविधा एप्लीकेशन होगी, हम इतनी सारी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए हमने बेसिकली फंड बनाया है, ठीक है, ताकि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ा सके, ठीक है। तो इन सब का एग्जाम्पल, सोयल हेल्थ कार्ड का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। तो जितने आप याद रख सको, 2-3, ठीक है, 4, जिस हिसाब से जहां जहां पर आप यूज कर सको उनका यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके।
उसके बाद किसान सुविधा के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब ये इंडो बांग्लादेश वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा कवर हमने कर लिया, ठीक है। तो इस पे एक बेसिकली आप सेपरेट से हैंडआउट बना लीजिए, एक हेडिंग डाल दीजिए इंडिया बांग्लादेश को लेकर, ठीक है, ताकि बेसिकली आपका एग्जाम के लिए अभी से तैयार हो जाए। इंडो बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर कम से कम एक पेज आपके पास लिखा हुआ होगा, जिसमें सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे, जिसमें सारे जो लेटेस्ट के इवेंट्स भी होंगे या जो लेटेस्ट एग्रीमेंट्स हम साइन कर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपका काम हो गया, ठीक है। आपको हिस्ट्री में नहीं जाना ज्यादा, ठीक है, हिस्ट्री की आप एक दो लाइन से शुरुआत कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। विजय दिवस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, 16 दिसंबर 1931 को विजय दिवस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1971, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना डीप में हिस्ट्री में जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो सारा आंसर होगा वो लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट्स पे लिखा जाएगा, उसी पे पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे मुद्दे, जैसे यूनाइटेड नेशंस वाला मैंने आपको बताया था, रिफॉर्म्स वाला बता दिया था, SDG वाला बता दिया था, स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट को लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री का आप एग्जाम्पल लेना है तो बेसिकली आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, शेख मुजीबुर रहमान साहब का, जिनको बेसिकली बांग्लादेश के पिता के रूप में या फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी यहाँ पर है, ठीक है, प्रेजेंट भी यहाँ पर है और फ्यूचर रियलिटीज भी यहाँ पर है। फ्यूचर रियलिटीज का मतलब फ्यूचर में क्या क्या पोटेंशियल संभावनाएं बन सकती है, वो भी आपको इन स्लाइड्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से आंसर फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए, जहां पर आप क्या क्या दिखा सकते हो, बांग्लादेश के और भारत के बायलेटरल रिलेशंस को लेकर क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। स्टार्ट करने का एक और तरीका है, स्टार्ट कर सकते हो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से, ठीक है, क्योंकि बेसिकली अभी आप स्टार्ट यहां से भी कर सकते हो कि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, अवर ऑनरेबल PM, ठीक है, डिक्लेयर्ड बांग्लादेश एज एन इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पार्टनर ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। डायरेक्टली यहां से स्टार्ट किया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांग्लादेश को भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका अहम घटक माना गया, ठीक है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है आपका आंसर, क्योंकि बेसिकली अगर आप करंट डेवलपमेंट से स्टार्ट कर सकते हो तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, रादर देन पास्ट वाले पार्ट से। ओके, तो यहां तक सबको समझ आ रही है सारी चीजें, ठीक है। तो बांग्लादेश वाला पार्ट हमने कवर किया था, इसको भी बेसिकली आप वन पेज के अंदर सारे वन या टू पेज जितने भी मैं आप सम अप कर सकूं उसको सम अप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेपाल वाला ये पार्ट है, तो ये नेपाल भी बेसिकली भारत के बायलेटरल रिलेशन से आप कर सकते हो। तो बेसिकली एक अगर आपसे इशू पूछा जाएगा कि नेपाल के अंदर अभी क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, तो आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का नाम सबसे पहले अलग से मुद्दे बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, KP शर्मा ओली जी, उन्होंने बेसिकली यहां पर रिजाइन कर दिया है, बेसिकली वहां की लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दिया है। अब नए इलेक्शंस होंगे तो वहां की पार्टी टसल को लेकर, क्योंकि यहां का कॉन्स्टिट्यूशन नया है, अभी 2015 में तो यहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। तो बेसिकली काफी सारी चीजें आपको देखने को यहां पर मिलेगी। तो एक समअप तैयार कर लीजिए, क्या क्या मुद्दे हैं, भारत का क्या क्या डेवलपमेंट है, भारत की जो थारू जनजाति है, मधेसी जनजाति है, उसका क्या कनेक्शन है यहाँ से, ठीक है। बेसिकली भारत की नेपाल के साथ जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मुद्दे आप लिख लीजिए इनको एक पेज के अंदर, ठीक है, ताकि आपको नेपाल वाले भी जो रिसेंट मुद्दे हैं वो आपको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। इसीलिए आज मैंने ये बताया कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप आंसर राइटिंग की फॉर्म में, ठीक है, प्रीलिम्स की फॉर्म में तो ठीक है आपका सिंपल हो जाता है, ठीक है, वो तो अपन काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको लिखना ही होगा, लिखने के अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। बोलने से, ठीक है, कितना भी पढ़ लो अगर लिखोगे नहीं तो वहां पर कोई जादू नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर है। कितना भी आप पढ़ लो, ठीक है, कितने भी आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, 10 बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, अगर लिखोगे नहीं ना तो वो 10 बुक भी व्यर्थ ही जाएगी, ठीक है, पढ़ना, ठीक है। क्योंकि जब हमें लिखते हैं, जब अपना माइंड का सिंक्रोनाइजेशन उस पेन पर चलाते हैं, तब सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। कहीं आप देखोगे जब स्टार्टिंग में आंसर लिखना टाइम आप लोगों को लगेगा, एक एक क्वेश्चन को लिखने में, स्टार्टिंग में जब मेरा ऑप्शनल चल रहा था तब मैंने देखा था कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन को लिखने में आधा आधा घंटा, किसी को तो 45-45 मिनट में एक एक क्वेश्चन वो लिख रहे हैं, जबकि मैंने उनसे बोला कि मेंस में आपको अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं तो 1 घंटे के अंदर आपको 7 क्वेश्चन लिखने होंगे, क्योंकि 3 घंटे मिलेंगे और 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 1 घंटे के अंदर 7 क्वेश्चन लिखने हैं, तो बेसिकली आपको कलम चलानी ही होगी, ठीक है, उसके अलावा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद वायरस को तो लेकर अपन काफी डिस्कस कर ही चुके हैं, म्यूटेशन को लेकर, उसके डिफरेंट स्ट्रेंथ को लेकर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था ये आपके आंसर्स के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, जो मैंने एक आर्टिकल आपको करवाया था
कि बेसिकली अभी कुछ जो टॉप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमारे वित्त मंत्री साहिबा को कुछ सजेशंस दिए हैं, ओपन लेटर लिखा है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसिकली जो डिस्पाइट द टफ टाइम्स ऑफ कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के टफ टाइम्स के दौरान भी अगर हमें बेसिकली फंड क्रिएट करना है, या बेसिकली हमें डिमांड क्रिएट करनी है, या बेसिकली हमें हमारी मनी सप्लाई को वापस से दुरुस्त करना है, तो क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। लगभग 10-11 पॉइंट यहाँ पर थे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम, जिसमें अब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भारत इज लाइक दैट कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग बेसिकली उसको पता नहीं है कि उसके अंदर कस्तूरी है, वो इधर उधर उसकी खुशबू के पीछे भटक रहा है। वही चीज भारत की आज हम बेसिकली वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, एडीबी से लोन ले रहे हैं, कभी आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, कभी किसी न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन ले रहे हैं। तो बेसिकली टॉप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जब बेसिकली सारी चीजें फंड हमारे पास है तो हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी उन्होंने बताए कि किस तरह से कितना ज्यादा गोल्ड का इम्पोर्ट इंडिया कर रहा है, कितना ज्यादा हमारे पास जो गोल्ड पड़ा हुआ उसको मोबिलाईज ही नहीं करवा पा रहे, उनको मार्केट में नहीं ला पा रहे, ठीक है। अभी जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू करी थी एलटीसी, जो आपका ट्रेवल कंसेशन वाली स्कीम थी, लीव ट्रेवल कंसेशन। वो चाहती थी कि बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर ये बाहर जाएंगे घूमने फिरने तो कम से कम स्पेंडिंग तो करेंगे, घरों में बैठे बैठे तो खर्च करने वाले नहीं है, चलो इनको घूमने फिरने के लिए कंसेशन देते हैं, एयर कंसेशन दे देंगे, रेल कंसेशन दे देंगे, ताकि घूमने जाएंगे वहाँ होटल्स में रहेंगे, खाना वाना खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी में कुछ जनरेट तो होगा, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, सारा डिस्कशन भी किया था मैंने, तो इनको आप अपने आंसर्स में एग्जांपल दे सकते हो कि दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द टॉप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स टू क्रिएट द फंड इन इंडियन इकोनॉमी एंड टू स्पर अप द डिमांड, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आप दे सकते हो, ओके। उसके बाद बेसिकली हमने एनएफएचएस का सारा पार्ट देखा था, ये बेसिकली इस वीक के सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक्स है, एनएफएचएस को लेकर, उसके डेटा को लेकर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनएफएचएस, क्योंकि ये हर साल नहीं आता। आप देखोगे इससे पिछला वाला पार्ट 2014-15 में आया था, अभी 2019-20 का डेटा है, तो 4-5 सालों के अंदर इसका डेटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इनको एग्जाम में यूज कीजिए इन सारे डेटा को, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है, एनएफएचएस के बाद, ठीक है, अलीगढ़ वाला, ठीक है, हमने ये वाला जो इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस देखा था, जिसमें हमने हमारे एंशियंट कल्चर को लिंक किया था, ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन को जोड़ा था, तो ये स्पिरिचुअल पार्ट हो गया, ठीक है। इसको आप आध्यात्मिकता से कनेक्ट कर सकते हो, ये स्पिरिचुअल से कनेक्ट हो गया, आध्यात्मिकता से जोड़ सकते हो, हमारी बेसिकली सॉफ्ट पावर से यहाँ पर अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये तो आपका जनरल था, ज्योग्राफी का था, ग्रेट कंजक्शन वाला जो आपको 400 सालों के बाद देखने को मिला था, जहां पर आपका जुपिटर और सैटर्न ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे पर ओवरलैप कर चुके हैं, और सिंगल स्टार आपको देखने को मिला था, ये समर ये विंटर सोल्स्टिस था आपका, ठीक है, जहां पर आप बोलते हो कि बेसिकली दिन सबसे छोटा हो जाता है और रात सबसे बड़ी हो जाती है, इसके बाद से वापस रिवर्स फिनोमिना, दिन बड़ा होने लगेगा, रात छोटी होने लगेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ग्रेट कंजक्शन के बारे में, ठीक है। कुछ छोटे छोटे डेटा है जो अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, अगर आप एनवायरमेंट का आंसर लिख रहे हो, ठीक है, कंजर्वेशन को लेकर आंसर लिख रहे हो, तो आप आंसर में डाल सकते हो, जैसे कि अपना T2 इनिशिएटिव है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, और इस बार मैंने आपको दिखाया भी था कि जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व था यूपी के अंदर, उसने सबसे पहले ये किया है, उसको अवार्ड भी मिला है इसके लिए। तो ये सब ये एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। इंडो वियतनाम वाला भी काफी अच्छे से हमारे लिए हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि इंडो वियतनाम बायलेटरल रिलेशंस को लेकर, ठीक है, बहुत अलग अलग सेक्टर्स में जो हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं, यूएस को लेकर तो हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हमारी कॉन्फ्रेंस को लेकर टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स में इसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा गया था यूपीएससी P2020 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को लेकर, कि किस प्रकार से बेसिकली आपका सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, या बेसिकली पहली बार किसके बाद बेसिकली आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद पहली बार बेसिकली वहां पर डेमोक्रेसी, या बेसिकली आपको लोकल डेमोक्रेसी देखने को मिली है इलेक्शंस के माध्यम से, तो थोड़ा सा इसको आप एलोब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज तो अपन इतना ही रखते हैं, सब लोगों को समझ आ गई सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो रिवाइज कर लेना सब लोग, कल 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, आज रात बजे, रात में दोनों क्लासेस 7:30 बजे 8:45 दोनों क्लासेस होगी, ठीक है। तो कल ये क्लास नहीं है, कल ऑफ रहेगा, ठीक है, कल रात वाली क्लासेस तो होगी, ठीक है, ये न्यूज़पेपर की क्लास कल नहीं होगी, कल जो है इसी पार्ट को आप रिवाइज कर लीजिएगा,
ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास स्टॉप करेंगे हम। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। किसी भी चीज को लेकर डाउट है जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। अगर किसी को भी डाउट है तो फटाफट लिख दीजिए जो भी डाउट है। सर आज भी पेपर डिस्कशन करने? आज तो बेसिकली यस, शाम को तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया 7:30 PM पर तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर्स है उनको डिस्कस करेंगे, पॉलिटी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स के। और 8:45 PM पर अपन डिस्कस करेंगे पंचायती राज, हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू से, अपन सारा का सारा पार्ट सीखेंगे पंचायती राज के एमसीक्यू अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शाम का ये रहेगा जो आपको अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा, ये शाम का पार्ट आपको देखने को मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसके अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अभिषेक जेंसर पर भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम पर जाइएगा, अभिषेक जेंसर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर भी बेसिकली इसके अपडेट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। नो डाउट एवरीथिंग क्लियर, सो सभी को एवरीथिंग क्लियर है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। वापस से रात को मिलेंगे, शाम को, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू थैंक यू।